ये दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेंसिल पाउच बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे। लंबाई हम इसकी 10 इंच रखेंगे। यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब हम इस तरीके से, ये काला है और ये सफ़ेद है, इस तरीके से हम ये कपड़ों को, ये कपड़े को जोड़ेंगे यहाँ से। ये देखिए, हमने कपड़ा जोड़ लिया है। अब हम यहाँ से, जहाँ से हमने निशान लगाया है, वहीं से हम इस तरीके से कपड़े को यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हम बैक पार्ट तो बनाएंगे। देखिए, हमने बैक पार्ट भी बना लिया है इसी तरीके से। यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम 20 सेंटर पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से ऐसे इस तरीके से निशान लगाएंगे। और यहाँ से जिप लगाएंगे। यहाँ से हम ये जिप लगाएंगे। यहाँ से जिप लगाएंगे। ऐसे ही हम बैक पार्ट में भी जिप लगाएंगे। ये देखिए, हमने जिप लगा ली है। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब हम ये बचा हुआ कपड़ा कट कर देंगे। ये देखिए, हमने बचा हुआ कपड़ा कट कर दिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। ये देखिए, हमारी पेंसिल पाउच तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।